आज हम करने जा रहे हैं बटर चिकन पर ढाबा स्टाइल में। मैंने 1 किलो चिकन लिया है, उसे अच्छे से वॉश कर लिया है। आप विद बोन्स और बोनलेस दोनों ले सकते हैं, मैंने आज बोनलेस लिया है। चलिए अब इसकी पहले मैरिनेशन तैयार करते हैं। इसमें मैं लूंगी 100 ml सरसों का तेल और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसको काटने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक। अब गैस कर दीजिए ऑफ। 3 चम्मच बेसन के, बेसन डालते ही इसको घुमाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बेसन आपका जल जाएगा। गैस ऑफ पे ही पकाइए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, वो अपनी हीट में ही पकता रहेगा बेसन। अब इसमें ऐड कीजिए थोड़ी सी हल्दी, बहुत ही सुंदर सुनहरा कलर आ जाएगा। अब हम इसको इसमें डालेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे अब 200 ग्राम के करीब दही, उसे अच्छे से फेंट लीजिए और पानी उसमें कम होना चाहिए। ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी भुनी हुई, थोड़ा सा धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन के पीसेस, इसको कम से कम 45 मिनट तक मैरिनेट करेंगे। बहुत ही अच्छी मैरिनेशन तैयार हो गई हमारी। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अच्छे से मिक्स कीजिए, हमारी मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसको हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं। हम लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल के, कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं आप, 3 लंबे कटे हुए प्याज, साथ में अदरक लहसुन, इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ढाबा स्टाइल है तो सब कुछ एक रॉ तरीके से बनता है वहां पे। 2 हरी मिर्चें, 2 इसमें हम डालेंगे 2 लाल मिर्च जो ज्यादा तीखी नहीं है, ये सिर्फ रंग के लिए होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 7 काजू। बटर चिकन है तो बटर तो होना जरूरी है, इसमें हम डालेंगे 20 ग्राम मक्खन। अब इस ग्रेवी को टेस्टी बनाते हैं, आप धनिया लीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए और उसकी स्टेम है जिसे डंठल कहते हैं वो इसमें ऐड कीजिए। अगर आप ये डंठल अपने सूप्स में भी ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जैसा कलर हमें चाहिए था वैसा आ चुका है, काजू भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 टमाटर। टमाटरों को 4 टुकड़ों में कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक। नमक 2 चीज का काम करेगा, एक तो टेस्ट तो है ही, साथ में ये टमाटरों को गलने में हेल्प करेगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 ग्लास पानी और इसे ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं अपना प्याज टमाटर की ग्रेवी के लिए क्या हुआ। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, हर चीज अच्छे से रस चुकी है और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसकी एक हम ब्लेंडर में प्योरे बनाएंगे। जब तक हमारी ग्रेवी ठंडी हो रही है तब तक हम अपना चिकन रोस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच देसी घी के। मैं तो देसी घी में पकाती हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब चिकन को हम प्लेस कर रहे हैं। चलिए चिकन को एक बार पलट लेते हैं। सॉफ्ट तो हो ही गया है, टेंडर एंड जूसी भी है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा, ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसमें हम लेंगे 3 चम्मच देसी घी, इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी हल्दी सनसेट येलो कलर देने के लिए, और साथ में मिलाएंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा पानी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, पानी डालने से सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें प्योरे। अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे, ढक्कन इसको अच्छे से स्टर करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक, 1 मक्खन का टुकड़ा, और इसमें ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट सिम पे पकाएंगे। चलिए बटर चिकन की ग्रेवी चेक करते हैं। परफेक्ट, देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया हमारा चिकन जो रोस्ट हुआ था। हम इसमें ऐड करेंगे
भुनी हुई कसूरी मेथी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप, 2 से 3 पिंच चीनी के, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच क्रीम के, फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं, और अगर क्रीम मिल जाए तो मच बेटर। अब इसको हम ढकेंगे और पकाएंगे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास दूध, 2 से 3 मिनट। डालेंगे थोड़ी सी रोस्ट की हुई कसूरी मेथी, फ्रेश धनिया कटा हुआ, और अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम, और अब इसमें हम डालेंगे 1 टुकड़ा मक्खन। हमारा बटर चिकन बिल्कुल बनके तैयार है। तो चलिए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। चलिए प्लेटिंग करते हैं। कितना अमेजिंग टेक्सचर और कलर आया हमारी डिश का। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, धनिया, हरी मिर्च। हमारी डिश ढाबा स्टाइल बटर चिकन।